पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अहो भाग्यशाली कल्याण कामी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र रहने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम यहाँ बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने इष्ट देव भगवान जी की दुख निवारणी वाणी सुनने के लिए आते हैं। बड़ी कल्याणकारिणी वाणी है जिससे जीव अपने जन्म को सफल कर लेता है, जिससे जीव इस संसार के नाना प्रकार के झमेलों से छूट जाता है। मोटी बात, जैसे हम लोगों ने अपनी अकल के आधार पर मुकाबला किया है भूख का, भूख लगती है हमने अन्न का मुकाबला कर लिया, भोजन पका लेती है, प्यास लगती है हमने घर में जल रखा हुआ है, बरसात ओले तूफान आता है हमने मकान बना रखा है, सर्दी लगती है हमने गर्म कपड़े जितनी है भगवान ने ताकत दी हमने सिला रखी है, पैरों में कांटे लगती है हमने जूता बना रखा है, जितना संसार का बाहरी रूप में जितना आपसे बन सकता है मुकाबला कर रहे हैं, कोई बीमारियां आती हैं हमने दवाइयां बना रखी हैं, हर एक घर में कोई ना कोई दवाई जो उनको सूट कर जाती है पड़ी हुई है, अचानक रात को सिर दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, या जो बीमारी आपको आती है दमा हो जाता है तो आपने बीमारी दवाइयां घर में रखी हुई है, ये सारा इंसान ने प्रबंध कर रखा है सब का सब। और तो रात को पिताजी को उठना पड़ता है, टॉर्च अपने सराहने के पास रखी हुई है कि मैं कहीं ठोकर ना खा लूं, ये सारा प्रबंध है। कितने अफसोस की बात है, ये तो मुकाबला करने के लिए सब कुछ कर रखा है, भूखमरी ना आए, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बने पड़े हैं, और बड़े दूसरे कॉलेज बन टेक्निकल कॉलेज बने हुए हैं, ना कोई पढ़ सके तो दूसरी ले ले कमाने की विद्या सीख ले, कोई ना कोई हुनर ले ले, ये सारा कुछ हमने कर रखा मुकाबला करने के लिए। लेकिन ये आधा मुकाबला है मेरी देवियों, अगर काम की वृत्ति आए तो क्या मुकाबला करेंगे, क्रोध आएगा तो क्या मुकाबला करेंगे, लोभ आए तो क्या मुकाबला करेंगे, है किसी का मोह सिताए तो क्या मुकाबला करेंगे, अहंकार अपने बढ़ जाए क्या मुकाबला करेंगे, किसी के प्रति द्वेष होता है तो क्या मुकाबला करेंगे, हलचल मचा देता है मन के अंदर, मकान धरा रह जाता है, धन रह जाता है, पत्नी घर के अंदर है, बच्चे घर के अंदर है, सब चीजें घर के अंदर है, इधर आपने ध्यान नहीं दिया। वो बेटी मेरी बात गौर से सुनना जो मैं गीता जी के लाया हूं, गीता आपको कपड़े नहीं देती, गीता आपको बारी को चपले नहीं देती, गीता आंतरिक रूप में आपकी सहायता करती है। सुनो नेक जीव, भले फिर कभी ना हो यहां पर कोई बात तो भगवान की लेके जाओ, फिर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल ना हो, लेकिन ये जरिए कि भगवान ने गीता बताई क्यों, ये जब हमले होते हैं काम क्रोध मोह के हमला कैसे बर्दाश्त करोगे, कैसे सहन करोगे, वो हमें पता ही नहीं, हम काम के काम ही बन गए, क्रोधी बन गए, लोभी बन गए, मोही बन गए, अहंकारी बन गए, झगड़ालू बन गए, शंकालू बन गए, और फिर घर में सब कुछ होते हुए भी हम कंगाल हो गए, बेचैनी बेकरारी बस हमारे मुकदमे में लिखी गई। तो गीता का उपदेश इसीलिए है कि आप अंदर की खोटी वृत्तियों का मुकाबला कर सके। मैं आपको बड़े मोटे तौर पर बता रहा हूं क्यों भगवान ने उपदेश दिया, या तो भगवान जी ये खोटी वृत्तियां ना बनाते, बनाई है अब उनके साधन है, समझी मेरी देवी, गीता क्यों, आपके आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए, गर्म कपड़े क्यों, सर्दी का मुकाबला करने के लिए, घर में अनाज है क्यों, भूख का मुकाबला करने के लिए, यूं सोचा करो, घर में पानी पड़ा हुआ है, लिक्विड कई चीजें रखी है,
क्यों? प्यास का मुकाबला करने के लिए। फ्रिज हमने बना रखी है, कोई सब्जी रख तो सके, गर्मियों में सारी सब्जी बर्बाद हो जाती है। कई चीजें ऐसी हैं जिसमें ठंडक में रखनी चाहिए, तो हमने फ्रिज बना ली ना, है ना हमारे पास, गुड। इतने आप सोचो भगवान ने गीता क्यों सुनाई, क्यों चोटी का उपदेश दिया? अंदर की वृत्तियों पर काबू पाने के लिए। ये ना हो काम आए तो हम बस कुत्ते बन के धक्के खाएं किसी नारी के पीछे, क्रोध आए तो लड़ लड़ के कचहरी में जाए और सिर फोड़ दे आपस में, लोभ आए तो हम टट्टू बन के घर में धन भी हो फिर कमाने में लग जाए, हंकार आए तो किसी को समझे ही नहीं और अपने आप को इतनी समर्थ समझे है। ये खोटी वृत्तियों से भगवान ने कहा ये तो नरक के द्वार है, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। गीता का उपदेश मेरी देवियों इसीलिए हुआ, पढ़े लिखे मेरे बच्चों, अंदर की खोटी वृत्तियों पर हावी आने के लिए, मैं फिर इसी बार बोल रहा हूं, मार की सर्दी का मुकाबला करने के लिए प्रबंध, गर्मी का मुकाबला करने के लिए रूम कूलर हमारे पास पड़े हैं, पतले पतले कपड़े हमने बना रखे हैं, बाथरूम में हमारे दो तीन बार जाके स्नान कर लेते हैं, ये सारा प्रबंध है आपके घर के अंदर। एमरजेंसी कोई पड़ जाए, कोई मर जाता है, किसी को गंदी बीमारी लाती है, तो आपने एमरजेंसी के लिए फंड बैंक में जमा करवा रखा, बिल्कुल ये सब कुछ आपने कर रखा है। तो अकाश में ये सोचो फिर ये अगर गंदी वृत्तियां आई तो, क्योंकि घोर कल युग है और गंदी वृत्तियों का चारों ओर बोलबाला हो रहा है, चारों काम बढ़ता जा बढ़ चुका है, लोभ बढ़ चुका है, अहंकार बढ़ चुका है, क्रोध बढ़ चुका है, फिर कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या जायल हुई अक्ल, डाउनफॉल। हम कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं करेंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन्हीं पर कंट्रोल करने के लिए ये मेरे भगवान का ज्योति का उपदेश है। आप या तशरीफ लाते हैं आंतरिक शांति चाहने के लिए, बाहर की शांति तो है, भूख लगेगी बेचैनी होगी, रोटी है घर में, परौठे है, सब्जी है, अचार भी है, आमों का मुरब्बा भी है, ये सब कुछ है। प्यास लगी तो कितने लिक्विड बोतलें घर में पड़ी है, आपके पास नींबू पड़े हैं, शिकंजी बना सकते हैं, जल पड़ा हुआ है, आप पानी पी सकते हैं, ये सारे है प्रबंध। हाँ चप्पलें हैं, बूट है, जुराबे है, सब कुछ है, वो सोचो नेक जीवो, वो मैं हिंदुस्तान में उत्पन्न होने वाले नेक जीवो, वो मेरी नेक धार्मिक बेटी हो, फिर गीता किस लिए है? गीता है आपके आंतरिक शांति बना रखने की, और आंतरिक बनी बनाई शांति के दुश्मन कौन है? ये विषय विकार, ये नेगेटिव क्वालिटीज है बनी बनाई शांति के दुश्मन, खास करके तीन, काम क्रोध लोभ, बनी बनाई शांति के दुश्मन कह रहा हूं, हमारी शांति को खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब इनको कैसे जीते? पढ़ो गीता, सुनो गीता, पढ़ो गीता, सुनो गीता, समझो गीता, करो गीता, पढ़ो गीता, समझो गीता, करो गीता, पढ़ो गीता, समझो गीता, करो गीता, फिर ये गई, फिर ये खोटी वृत्तियां गई। पता नहीं आज के इंसान को क्या हो गया है, बाहरी रूप में सब कुछ कर रहे हैं, इतने बड़ी जो है फैसला को तय करे, हवाई जहाज बना लिए, समुद्र की छाती चीर कर विदेश में जाने के लिए हमने नेवी बना ली, पानी के जहाज बना लिए, जल यान, वायु यान बनाए, इतने डिस्टेंस को चीरने के लिए, समुद्र की छाती चीर के दूर जाने के लिए हमने जल यान बनाए, कारें बनाई, बसें बनाई, बड़ा बड़ा सामान टनों टन ले जाने के लिए ट्रक बनाए, सब कुछ बना लिया आप लोगों ने, ये सारा कुछ बनता जा रहा है। सोचो ना एकांत में बैठ के, ये तो बाहर उसने बहुत कुछ कर लिया आपने, साइंस ने आपको बहुत चीजें दे दी, लेकिन अंदर अंदर के वैरी हमारे अंदर है, वो हमारी बनी बनाई शांति को रफा रफा कर देती है, हम बेचैन बेकरार जैसे घर में सारी चीजें पड़ी है, लेकिन मन हमारा अशांत है, मन हमारा बेचैन बेकरार इन गंदी वित्तियों कारण से, इनकी जड़ें काटने के लिए भगवान ने उपदेश दिया, ताकि बाहर की भी शांति रहे, ओए होए 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 होए, और आंतरिक भी शांति रहे। बाहर की तो इंसान ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन अंदर 1% भी नहीं की, अंदर ध्यान ही को नहीं देता, ना मेरी बेटियां, ना मेरे हिंदुस्तान के भाई,
भाई अंदर तो ध्यान दो, ये भी क्यों बात बात में क्रोध आ गई, ये कोई बात तो नहीं। और वो भी अपनी माँ पर, जिनके एहसान हम चुकाने से, वो पिताजी पर, अपनी बहन पर, अपने भाई पर, अपनी पत्नी जो अपने शरीर का अंग बनी हुई, अपने पति देव पर जिन्हें आपके जीवन साथी हैं, अपने सगे बेटे पर बात बात में क्रोध, घर में नरक बन गया, बेचैनी बेकरारी फैल गई, आपने अपने वास को फेंक कर अपने आपको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, इतना क्रोध, अपने वास तोड़ तोड़ दिए इधर के भी इधर के भी। फिर बाद में रोने लगी, मैं कैसी बन गई गंजी नंगी मंगी, क्यों तोड़े, क्रोध आ गया था। और किस पर, पुत्र पर, ऐसी बात बनी, ये जितनी गंदी वृत्ति है, आप मेरी गौर से और सुन लो, काम है क्रोध है मोह है, ये सबसे पहला हमला बुद्धि पर करते हैं। बुद्धि पर हमला हुआ तो बुद्धि को पता ही नहीं लगता करना है क्या और न। गंदी वृत्तियां बुद्धि की दुश्मन है मेरे सज्जन। ओ मेरे जवान भैया, ओ मेरी मैया, ओ डबल रोटी, ओ मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएटो, जितनी भी गंदी वृत्ति है ये दुश्मन है हमारी बुद्धि की। बुद्धि पर हमला होता है, बुद्धि को समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसके पल ही नहीं पड़ता। जब बुद्धि गई तो मन मारा गया, तानी मारा गया, मन ऊटपटांग सोचेगा बिल्कुल, और तन द्वारा गंदे गंदे कर्म करेगा और मरेंगे, पहले भी मर रहे हैं और मरेंगे। बुद्धि खराब होगी तो मन तन दोनों खराब हो जाएंगे। सपाने कहते बंदे तो पहले जन्म से ही क्या है बहुत ही हलचल मचाता है, हाँ आप ऊपर से पिला दो शराब, बंदर का क्या हाल होगा, जिस बंदों को शराब पिला दी और फिर ऊपर से कट खाए उसे बिच्छू, अब आप अनुमान ही नहीं लगाएंगे बंदर कितना चंचल हो जाए, बड़ी जोर की चीखे मारेगा। एक तो इंसान संस्कारी जीव है, फिर उस पर ये गंदी वृत्तियां आ जाती हैं और फिर बिच्छू काट खाता है राग द्वेष का। इसलिए आज नर नारियां टेंशन टेंशन टेंशन, वह रब दे बंदो सोचो तो सही, भी टेंशन क्यों हुई, आप ही कारण है। खुद आपके भगवान गीता में कहती हैं वो दुश्मन है अपने लिए, इंसान अपने साथ अवैर कमाता है। ओ इतनी पढ़ी लिखी बेटी, ओ 5,000 कमाने वाली बेटी, ए मेरे बच्चे कितने तरीके आपने कमाने की सीखी है, मन को शांत रखने का कोई तरीका सीखा कि मन बेचैन ना हो, घोर कर जुट गए जबकि काम की वृत्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप घर से घर छोड़ चुकी हो। हमारा टाइम था नारी चार दीवारी, आज नारी नारी हर जगह फैल गई है, तो फिर क्या बढ़ेगा, काम की वृत्ति बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो मेरे को नुकसान किसको आपको, नर बदमाश बनेगा, खराब बनेगा, बार मुखी बनेगा, अपने अरमान आप पे निकालेगा तो नुकसान किसका आपका उसका भी। फिर कभी सोचा कि ये वृत्ति ना आए, क्रोध ना आए, हाँ लोभ ना आए, हाउ ये बताती है गीता, जड़े उखेड़ देती है हमारी अगर भगवान के उपदेश को अपना लिया जाए। वाह वाह, जब भी आप आओ इसलिए आओ के अंदर के वैरियों को मैं खत्म कर दू, ये जो मेरी बड़ी बनाई शांति को तबाह कर देती है, बड़ी बनाई शांति को। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया कि खोटी वृत्तियों को पर हावी आया जाए। यो हम हर सुबह शाम आरती में तो बोल लेते हैं, कोई बैठ के विचार नहीं करता, क्या बोलते हैं, विषय विकार मिटाओ पापरो, पर ये कैसे मिटाए, व्हाट आर दोज मींस, वो तरीके क्या है मेरे बेटे जिससे विषय विकारों को मिट जाए और मैं हमेशा शांत रहूं और मेरे पास इनके हमले ना हो, वो क्या करें कैसे बनाए। छोटी छोटी चीजों के हमने प्रबंध किए, बरसात है लो जी बरसाती बना लो, अच्छा जी आप वो बना लो, क्या क्या भगवान भला कर छाता बना लो, सारे प्रबंध कर लीजिए, मैं मूसाधार वर्षा आएगी तो अब जाना जरूर बाजार में सब्जी लानी है, कई चीजें ऐसी बाजार में जरूर जाना पड़ेगा, आप तो नौकरियां करती हो तो बाजार में जाओगे, तो फिर आपने सब बरसाती पहन रखी है, गम बूट बना लिए हैं, आपने छाते बना लिए हैं, चाहे फोल्डिंग छाते पर है तो कोई नहीं छाता जरूर, सारे प्रबंध बार के कर रखे ना। और किसी वक्त अगर लोभ आ गया तो, क्रोध आ गया तो, काम की वृत्ति ने हलचल मचा दी तो, इसी मर्ज की दवा है गीता, इसी का इलाज बताती है गीता। जब भी आप आओ किसी भी आओ कि मैं अंदर का इलाज कराया हूं, अंदर शांत रहो, और जो दिन ब दिन ये कलयुग है, सतयुग नहीं, वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं,
तो मैंने अभी कहा आपने घर छोड़ दिया, हर जगह आप मौजूद हो गया, हर जगह मेरी मूर्ख नालायक गवर्नमेंट ने नारियों को चिराए पर भी खड़ा कर दिया, पुलिस ने भर्ती कर दिया और चिराए पर वो हाथ दे रही है कि मेरी बेटी आपके तो अंग ही ऐसी है, किसी पर कैसे गंदा प्रभाव पड़ेगा, आप तो नर्क में आ गई। ये ड्यूटी भूल के भी नहीं करनी थी कि मैं तो नारी हूं। बाबा क्या फर्क है नारी नर में? मेरी बच्ची नहीं, शरीर एक बड़ा फर्क है, बड़ा भारी फर्क है। बाहर कुछ धोप लाद नहीं घूम रहे, जब आपने हाथ यूं उठाए तो अगलों की नजरें वहीं जाती हैं, तो कितने गंदे संस्कार बनेंगे उनके, कितने पाप की भगन आप बनोगी। एक 1000 रुपया कमाने के लिए आप कईयों के अच्छे बर्बाद कर दोगी। ये हमारी गवर्नमेंट बेवकूफ विदेशों के अंदाजों नकल कर रही है, कितने गंदा प्रभाव पड़ेगा। वैसे मेरी बेटी फजूल बोल देती है, नो डिफरेंस, गवर्नमेंट भी कहते हैं नो डिफरेंस, बड़ा भारी डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस है शरीर, दूसरा डिफरेंस है मन का, मन नरक का जन्म से मजबूत, आपका जन्म से चिड़ी है चिड़ी, बहुत ही नरम आपका मन, बुद्धि आपकी छोटी, इंसान की पहले ही बुद्धि जरा बड़ी होती जो कैसे घाट घाट का पानी पीना है, और आपको मेरे भगवान ने घर के लिए रखा था, आप होम मिनिस्टर थी और ये बाहर के मिनिस्टर थे, बड़ा अंतर। गीता इसलिए सुननी है और अपनानी है ताकि अंदर अंदर मेरे छाती मेरी गर्म ना हो, मन में बेचैनी ना हो, बुद्धि में हल चलना मत जाए, मेरी बुद्धि और मन हमारे दोनों शांत रहे, तब आपका कमाना बाहर का सारा प्रबंध करना सोने पे सुगंधी। वरना सारा कुछ घर में है फिर भी आप घर में रो रहे हो ना, देख लो मेरे बच्चे, ठंडा कमरा आपके, आपने एसी ने एयर कंडीशन बना लिए, आपने रूम कूलर बना लिए, लेकिन इसको कौन ठंडा करेगा छाती को? क्रोध आ रहा है, कितने बुरा किया, अंदर भड़कन पैदा हो रही है, लोभ आ रहा है, मोह की वृत्ति सिता रही है। लो ये देखिए, काका 4 दिनों से घर रूट के चला गया है, गाके बेचैन होता है, मेरे मन बड़े बेकार होते, भूख भी नहीं कर, मैं पानी भी नहीं पिया, ये सब कुछ घर में पड़ा गए, ठंडे कमरे में बैठ के आप गर्मी दे रहे हो, आए आए, ठंडे कमरे में बैठ के गर्मी ले रहे हो। एक जो जड़ है, जड़ वो रूम कूलर ठंडक दे रहा है और ये चलने फिरने वाला शरीर मुझे गर्माइश दे रहा है। देखा वो एयर कंडीशन सिर सड़ा है अपना, जबकि हमारी छाती गर्म हो रही हो, आंखें हमारी रो रही हो, बेचैनी और बेकरारी हो, हमारा सारा शरीर एबनॉर्मल हो रहा हो। इस कार्य का इलाज करती है भगवान की वाणी। कभी नहीं आप सोचते मेरे बच्चे, कभी नहीं सोचते, आप बड़ी सियानी है बच्चे, सिर्फ पढ़ाई में और कमाई में और शादी करने में ना रह जा, लव अफेयर में ना रह जा मेरी बेटी, इधर गॉड अफेयर में भी आ, इधर डिवाइन अफेयर में भी चलो। वो नहीं, मैं तुझे चाहती तो मुझे चाहता है, फिर कब शादी करनी पुत्र? ये नर्क का है, नर्क का है, नर्क का है। स्वर्ग बनता है जब हम भगवान के साथ लव अफेयर करते हैं, जब प्रभु की भक्ति कमाती है, इनसे ज्यादा डिवाइन लव करती है, तब हम सही रूप में इंसान। निकाल दो भगवान की भक्ति को तो इंसान शैतान है, तो इंसान किसी काम का नहीं, वो अपने साथ वैर कमाएगा। वैर कमाने का मतलब अपने भविष्य को काला कर रहा है, अपने भविष्य में अनजाने रूप में नाना प्रकार की आफतों मुसीबतों बीमारियों को दावत दे रहा। वाह, इसलिए हमारे प्रभु कह रहे हैं गीता में, दुश्मन है अपने लिए सर, बिल्कुल वो अपने साथ वैर कमाता। और आगे कहते हैं भगवान मित्र है इंसान जब भगवान के ज्ञान को अपना लेता। अब आप अपने पर कंट्रोल करते जाएंगे, देख लीजिए जब से आप सत्संग में आ रहे हैं आप पे कितना अंतर में अंतर आ गया अंदर। ये हम क्यों आती हैं अंदर का इलाज कराने के लिए? मेरी बेटियां इतने उत्साह से नदेरी नदूरी देखती, क्यों? अंदर मरे ठंडक रहे, बुद्धि में दुविधा ना आए, मन बेचैन ना हो और मेरे किसी भी अंग से बुरे कर्म ना हो। आह, इसलिए महाराज जी की चुट्टी की फलासफी सुनते हैं, चुट्टी का ज्ञान गीता के माध्यम से लेते हैं। समझे मेरे बच्चे, गीता क्या बताती? गीता में अंदर की शांति देती है, बाहर का शांति तो मां बाप ने सारा कुछ दे दिया,
मकान दे दिए, सामान दे दिया, धन दे दिया, आपको पढ़ा भी दिया, आपको कमाना भी सिखा दिया, आपके मुताबिक आपको पत्नी ले दी, आपको पति देव भी ले दिए, ये सारा कुछ बार मां बाप कर देता है। अब ये सोचो अंदर कौन शांति देगा, अंदर कौन मेरे चैन बनाएगा जब ये वैरी आएंगे। या रब बनाते ही ना काम करो, वो लोभ अहंकार राग द्वेष इत्यादि देशों की नोट नेगेटिव क्वालिटी, पर ये तब संभव होता जब एक गुण सत्व गुण से दुनिया बनती। पर रब ने तो तीन गुणों से बनाई है, रजोगुण भी है तमोगुण भी है। सत्व गुण होता तो सारे बर्फ जैसे होते रब दे प्यारे, अब रजोगुण है तो रावण जैसे भी होंगे, तमोगुण तो कुंभकर्ण जैसे सुसल वजूद ऐसे व्यक्ति भी होंगे। सत्वगुण होता है तो बर्फ जैसा भगवान के भक्त बन जाते हैं, रजोगुण रावण जैसे, और तमोगुण बिल्कुल सुस्तल वजूद बिल्कुल निकम्मे इंसान, आहा परमार्थी इंसान, विलासी इंसान, ये सारे प्रकार के। और आजकल सत्वगुण तो घटता जा रहा है। मेरी माता हो, मेरी बेटी हो, ओ मेरे बुजुर्गो, ओ मेरे भाइयों, सत्वगुण दिन ब दिन कम होता जा रहा है। सत्वगुण कम होने से नास्तिकता बढ़ती जा रही है, वाह, और नास्तिकता घट जाने, नास्तिकता बढ़ जाने से गंदी वृत्तियों का बोलबाला, क्योंकि सिर ते नहीं कुंडा ते हाथी बिरे लुंडा। अगर हाथी के ऊपर अंकुश नहीं रखेंगे तो हाथी मुंह जोर होकर के समाज को नुकसान पहुंचाएगा। अगर हमारी बुद्धि पर भगवान के ज्ञान का अंकुश नहीं होगा तो फिर हाथी बिरे लुंडा, फिर अपनी तबाही, परिवार की तबाही, समाज की तबाही करेगा। बिल्कुल, तो गीता क्या कहे, बुद्धि और मन पर अंकुश है। शाबाश मेरे रब्बा, शाबाश, शाबाश मेरे प्रभु जी, शाबाश। बुद्धि हमारे ज्ञान, भगवान का ज्ञान हमारी बुद्धि और मन पर अंकुश है। जैसे अंकुश से मुंह जोर हाथी भी कंट्रोल जाता, इसलिए भगवान के ज्ञान से हमारी बुद्धि और मन दोनों कंट्रोल जाते हैं। नहीं तो फिर भगवान कहते, अगर मेरे ज्ञान को नहीं लोगे, चेतावनी भी की तो बड़ी गर्मा गर्म है, तो दिल अकल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, फिर मन अकल को ले जैसे शैतान को लड़का मेरी बेटी को भगा ले जाता है और दोनों घर बदनाम हो जाते हैं। इस तरह मन जो गंदे विचार से भर जाता है, बुद्धि को भगा के कहा ले गया, बार मुख्ता ले गया, मार दिया फिर बुद्धि और मन दोनों ने, फिर मन के क्योंकि मन गंदा हो जाएगा। और ज्ञान मिल जाए तो बुद्धि मन को संभाल लेगी, और अगर ज्ञान ना मिलेगा तो मन बुद्धि को लपेट लेगा। आए 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 आए, देख लीजिए आप समाज के सामने देख रहे हैं। अगर शुरू में हम ज्ञान की कदर करते तो बुद्धि सियानी बन के मन को अपने अधीन कर लेती, अब मन बुद्धि को खींचते जा रहा है और बुरा हाल हो गया। हम इसलिए भगवान जी की वाणी सरदर पे वो सुनने आते हैं ताकि अंदर बेचैनी ना हो। वाह वाह, तो आप कमारी है, मकान है, तो सारा प्रबंध आप, मैंने अभी अभी कहा सारा प्रबंध मेरी बेटी आपने कर दिया, बाहर का सो फॉर दिस प्रकृति इज कंसर्न आपने सारा प्रबंध कर लिया, पर सो फॉर योर माइंड इज कंसर्न, योर अंतःकरण इज कंसर्न, सो फॉर यू आर इंटरनली कंसर्न, इनको कुछ नहीं किया। देख लीजिए सीधा खोटी बिट्टी आके हमला करेंगे इस युग के अंदर, फिर कोई हमने इलाज नहीं किया। हमें बिल्कुल क्रोध ना आए, मोह ना आए, लोभ ना आए, अहंकार ना आए, ये हमारी शांति के वैरी हैं। इन्हीं के कारण अगर ये बार बार आएंगी तो गंदी की बीमारियां लग जाएंगी। अगर हम अपने आप को शांत नहीं रखेंगे, अब नॉर्मल रखेंगे, यानी अगर हम लोग असामान्य रूप से रहेंगे, असामान्य रूप से रहेंगे तो कोई बीमारी लगी। हम तो तब शांत रहते हैं जब हम लोग सामान्य अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में हो। सुनो मेरे नेक जीवो, सुनो, ये आपको गीता जी आपको बड़े अच्छे साधन बताती है, बड़े अच्छे साधन। फिर हम पूर्ण पैन भगवान के प्यारे बन जाते हैं और भगवान से हमें विवेक मिलता है, जो हमें बताता रहता है नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। फिर हम अनुचित को छोड़ देती हैं, नित्य भगवान की ओर बढ़ चलती हैं, वैराग्य आ जाता है। इन दोनों के जवान हो जाने से फिर हमें भक्ति मिल जाती है। ओए ओए, भक्ति का मतलब मेरे देवी क्या, डिवाइन लव। दो प्यार होते हैं, एक तो शारीरिक लव, इसे बोलते हैं फिजिकल लव, और जो भगवान के साथ हो तो डिवाइन लव,
इसे कहेंगे शारीरिक प्रेम, उसे कहेंगे दिव्य प्रेम। अच्छा, भगवान के साथ हो तो वो दिव्य कहलाएगा, और यूं किसी के ही शी के साथ प्यार करना हो तो फिर वो शारीरिक प्यार, सिर्फ शरीर का प्यार, अंधा प्यार, गंदा प्यार, अंधा प्यार, गंदा प्यार। गंदा क्यों कह रहा हूं, परिणाम में दुख आएंगे, परिणाम में नाना प्रकार की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगे, और भगवान की तरफ लग गए लोक भी बन गया परलोक भी बन गया। कोई चीज अच्छी है कि बुरी, परिणाम देखो। मेरी बेटी ये बात अच्छी है बुरी, ये कर्म अच्छा है या बुरा, ये मिलाप अच्छा है या बुरा, ये स्थान अच्छा है या बुरा, परिणाम देख लिया करो, सीधी रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और फौरन आप देखेंगे कि इसकी ये काम अच्छा है या बुरा। क्योंकि हम लोग परिणाम देखते हैं, कोई भी कर्म अपने परिणाम से बताता है, अगर वो उससे सुख आता है तो कर्म बहुत अच्छा है, और अगर इनकी लॉन्ग रन में दुख देता है तो वो कर्म इस सेल्फ में बहुत गंदा। समझी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मताओ और मेरी लाडली नेक बेटियों, गीता इसलिए सुननी अपनानी अनिवार्य कहूंगा, मैं जरूरी भी नहीं कहना चाहता, मैं कह रहा अनिवार्य, इंडिस्पेंसिबल, हम इसे नहीं छोड़ सकते। मेरे गुरु ने मेरे अंदर बिठाया था, जैसे हमने यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दिए हैं, हमारे वक्त तो आम होता था फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी अटेम्प्ट 24, ये तकिया कलाम था, चाहे कच्चे इम्तिहान हो चाहे पक्के इम्तिहान हो, भाई एक स्वभाव बना हुआ था उन दिनों का, मैं 1940 की बातें कर रहा हूं, फर्स्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट 24 है, प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है, शेष में कोई चार कीजिए। वाह, समझे ना मेरी बेटी, मैं समझ गया बाबा, समझ गया ना, समझ गया, पहला प्रश्न अनिवार्य है, जरूर करना है, जरूर, उसके 25 नंबर है, बाकी के सबके 16-16 नंबर है, बड़ा अंत फर्क है, पहले अनिवार्य है वो जरूर करना है। और मेरी ओर देखो सारे और कमलो, ओ मेरी अपना जन्म सफर करने वाली और रब दा प्यारा, दोनों हाथ उठा के देखो मेरी ओर देखो, ओ मेरी ओर देखो रब, तू भी देख मेरी ओर, भगवान की भक्ति अनिवार्य गए, बाकी जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, बिठा लो अपने मनों में, हम यही कहने आए गए, भक्ति अनिवार्य गए, शेष करे जिस कदर उस पे लाजम, मगर आसरा मुझ पे, समझ लो मैं आजकल के ढंग से समझाने आया हूं, आजकल का हूं और आजकल के तरीके से आपको समझाने आया हूं। भक्ति अनिवार्य, भक्ति कंपल्सरी, बाकी अटेम्प्ट एनी एक्टिविटी, अटेम्प्ट एनी एक्टिविटी, फिर आप क्या होगा, अंदर बाहर से शांति पाए, बिल्कुल आराम और चैन, ये मन में बिठा लो, हमेशा चार दिन जिंदगी के हैं, शांति से कट के चले जाएंगे। बनार क्या, घर में भी रोना, बाहर भी रोना, समाज में भी रोना, मिलने जुलने में भी रोना, रोना तो दुनिया वालों के पास खुद बहुत ज्यादा है, दुनिया वाले तो उनको चाहते हैं जो थोड़ी देर हंसाए, थोड़ी देर उनको परेशान करें, तो रोना तो उनका बहुत है ना, किसी के बार रोया कर मेरे बच्चे, घर से तो रो के आते हैं, बाथरूम में रो के आते हैं, रोना सबके पास है, हंसाओ अगर हंसा सकते हो किसी को, तो थोड़ी देर हंसा दो उसको, किसी को अगर हंसा सकते हो तो, रोने वाली बातें, दुख भरी बातें ना सुनाया करो, वो उनके पास बहुत ज्यादा, कोई भी आपके साथ मिलता है तो हंसने के लिए, और आप हंसाने के साधन कर दो, दुनिया आपको बड़ा प्यार करेगी आप हंसाने के साधन करो, रोने वाली बात नहीं अपने में रखो, अपने मन हल्का कर लिया करो, अपने घर में बैठकर, अपने एक एकांत में बैठकर हल्का कर लिया करो, किसी को रोया ना करो, उनके पास स्यापा अपना बहुत ज्यादा, कम ऑन, ये सारी गीता का लुब्बे लुबाब, और फिर जहां सारा उपदेश देके भगवान जी थक जाती हैं, तो आखिर में एक सिद्धांत बना देती हैं, अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाए, लो भगवान कल्याण, बस फिर मौत, बस आपका जन्म सफल, मेरी बेटियों का जन्म बिल्कुल सफल हो गया, फिर बाहर से भी शांति से जिए, खुशी से जिएंगे, अंदर से भी क्या शांति से जिएंगे। इसको मेरा रब कह रहा 15वें अध्याय में, क्या वो कृत्य कृत्य हो गए वो सुबक दोष हो गए, यह तरीका शांति से जीने का, यह तरीका हंसते आओ तो गांधे जाओ, अर्थात खुशी से रहो, और जाति बार जाना तो जरूर है, तो जाति बार खुशी चल जाओ, पहले तैयारी हो चुकी,
पहले हम संसार से उपराम हो गए होते हैं। यदि अगर काल आ जाता तो आना तो है हमारा सबका, तो फिर हम पहले तैयार हो जाते, बिल्कुल तैयार। यह तरीका चार दिन आराम से काट लेता। इसी को मेरे भगवान दूसरे अध्याय में कह रही है, क्या ये एक हुनर है, ये एक कला है, क्या बाखुशी जीना और बाखुशी तन को छोड़ जाना अमल में हुनर हो तो कहलाए। गीता के मुबारक कृष्ण अपने मुबारक प्रेमियों को एक हुनर सिखाती है, गीता में कला सिखाती है, क्या टू लिव हैप्पीली टू लीव हैप्पीली। दो शब्द ले लो ना, गीता का उद्देश्य क्या है, टू लिव हैप्पीली इंटरनली एक्सटर्नली, खुशी से आंतरिक और बाह्य रूप में जिए और खुशी से संसार को छोड़ जाए। टू लिव हैप्पीली क्या बोलोगे, टू लीव हैप्पीली। कितना गजब का ज्ञान है अपने प्रभु जी का, अपने मालिक का। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के अपनी डिग्रियां ली, अपनी गीता को ना भूल मेरी बेटी, ना भूल ना भूल। अपने हिंदुस्तान के ज्ञान को ना भूलो मेरे सजनों, वरना कंगाल हो चुके हैं, बिल्कुल कंगाल हो गए, सब कुछ होते हुए कंगाल। हाँ बेचैन है, बेकरार है, हमें जब कुछ है गंदी वृत्ति धक्के दे के मार दे, बेचैन कर दे, ना बिल्कुल भी नहीं, शाबाश। इसलिए प्रभु आपकी दुर्दशा देखकर क्या अपने अवतार लेने से पहले मेरे जैसे को भेजती है, तू ही शांति लेके ना चला जा, अनेकों को मेरा उपदेश दे जा, बस हम इसलिए आते हैं। फिर जब बहुत ही जनता गंदी जाती है, फिर वो खुद अवतार ले लेंगे। अभी समाज स्केल पर वो प्रभु शक्ति भरकर हमें भेज देते, जाओ 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 जाओ, कुछ करो, फाके जाओ, कर देती। ऐसे ही है, सर्दियों के बादल और सावन के बादल बड़ा अंतर है। सर्दियों के बादल में थोड़ा पानी होता है, एक जगह बरसा चल, सावन के बादल तो मीलों तक बरसती है और पीछे से और भी पानी आ जाता है। भगवान अवतार लेती है तो सावन की बादल की तरह पूरे चारों ओर बरस जाते हैं। हमारे जैसे क्या सर्दियों के बादल है, बस थोड़ी जगह बरस गए, बस जैसे सावन के छोटे छोटे बादल होते हैं, हम तो थोड़ी जगह किसी के मनों पे बरस जाएंगे, वो तो सावन के बादल है जब उतार लेंगे तो फायदा उठा लो, हजूर के ज्ञान का लाभ उठा लो, अंदर से भी शांति रहो बाहर से भी। क्यों गीता सुनी जाए, आंतरिक शांति के लिए। क्यों गीता सुनी जाए, अंदर के विकारों को भगाने के लिए। हमारे अंदर के दुश्मन, शांति के दुश्मन कौन है, ये हमारी नकारात्मक वृत्तियां, इन अदर वर्ड्स हमारी नेगेटिव क्वालिटीज। हम इन्हें रिमूव नहीं करना चाहते, कि पढ़ लिखे बच्चे के रिमूव, नॉट ओनली रिमूव बट हम अपरूट करना चाहते हैं, हम उन्मूलन करना चाहते हैं, हम इनकी जड़ें काटना चाहते हैं ताकि फिर ना अंदर आ जाए। गीता जड़े काटती है, गीता किसी गंदी वृत्ति को रिमूव नहीं करती। इफ यू रिमूव टूडे जस्ट पॉसिबल, आफ्टर सम डेज इट विल मूव हिडन अगेन, रिमूव मूव। आज हमने रिमूव किया, कल फिर मूवमेंट अंदर हो जाएगी। तो जिसकी जड़े काट देंगे बस नो मोर, फिर आप शांति पूर्वक जिंदगी के दिन काट लेंगे। ये है गीता, गीता इसलिए आपके लिए अनिवार्य है। फिर मैं कहूंगा क्यों, आंतरिक शांति मिले, बाह्य शांति तो आप कोई परवाह नहीं, आपको सब कुछ आपके पल्ले बेटी, सब कुछ आपके भाई, बाह्य खुशी के लिए सब कुछ है, आंतरिक खुशी के लिए कोई कुछ नहीं करता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी आज का इंसान पढ़ा लिखा है, धन है, डिग्री है, पत्नी है, फिर भी रो रहा, इतना कमाती है मेरी बेटी, बगल में दबाया हुआ है अपना थैला और रोई जा रही है, कितनी अजीब हालत हो, तो इतनी पड़ी हुई है। यू आर MSc और BEd और अभी PhD की तैयारी कर रही है और छमछम आंसू, इन आंसुओं को सदा के लिए सुखा देती है गीता, हमेशा के लिए सुखाती है। जैसे श्याम जी जब मथुरा जाने लगे, मेरे सामने वो दृश्य आ रहा, हाँ मां बड़ी रोई कि चला कन्हैया, और मुझे पता लगा तू नहीं है मेरा कन्हैया, तू मेरा बेटा नहीं था। ये आज अक्रूर क्या कह रही है, बड़ी चिल्लाई यशोदा, तू जो है देवकी का पुत्र है,
बड़ी रोई यशोदा, मैं पाल पाल के मर गई, इतनी मेहनत कर गई, तू मेरे पेट से नहीं पैदा हुआ। बड़ी रोई, बड़ी रोई। आखिर मैं कहती हूं मां, कन्हैया जाने लगे तो आपको बताऊं। कन्हैया कहने लगे, मां ओ मां, मेरी कहती फाड़ जा से, मैं तो जा रहा हूं मां, जा तूने इतनी कुर्बानी की है, कुर्बानी मेरे लिए और कर। मैं कहती भाग जा बस, और मैं धोखा दे मुझे, मैया एक कुर्बानी मेरे लिए और कर दे। बोल क्या? कर देती हूं, कर देगी। हां जाने से पहले मां मुझे एक वचन दे दे, आगे थोड़े मैंने तेरे लिए किया और क्या रह गया। जाती बार मां एक मुझे और दे दे। अब मां थम थम रो रही थी, दोनों हाथ अंगूठे से मैया के साफ किए, साफ कर, मां मुझे एक वचन दे दे। अच्छा मांग ले, मैं दिल से दे दूंगी मैया, आज के बाद आपने मुझे रोना नहीं। अरे ये तो बहुत कठिन है मम्मा, तू रोना ना, मैं फिर भी आऊंगा, आएगा जरूर आऊंगा। अच्छा कन्हैया, चूम लिया दोनों गालों पर, आज के बाद मैं रोऊंगी नहीं। देखिए जरा अनजान ऊपर, फिर राधा को मिलने गए। राधा बड़ी नाराज बैठी थी, तूने हमारा मन ही छीनना था, हमें अब कहीं कहीं रखा, ना यहां का ना वहां का, ना हम घर बार के हैं और तुम जा रहे हो कन्हैया, ना परलोक के, बनेगा क्या हमारा, हमारी तो जान इसके अंदर रहेगी नहीं। रुई जा रही, रुई जा रही, फिर वही, तुम जब भी मुझे याद करोगी ना, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा कन्हैया, पर एक वचन दे दो। क्या? उसके भी आज के बाद आपने रोना नहीं। हाय ये तो बहुत कठिन है। अच्छा मैं वचन देती हूँ। बयान इसी प्रकार भगवान ज्ञान और भक्ति दे के हमारे दोनों आंखों के आंसू पूछे जा रहे हैं, इधर के भी इधर के भी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, जैसे माँ और राधा दोनों के आंसू पूछे मेरे प्रभु ने, हमेशा के लिए पूछ दिए, फिर दोनों ने रोई। इस तरह हमारे भी अपना ज्ञान और भक्ति दे के, ज्ञान दे के हमारी दाई आंख के आंसू पूछे जा रही है, भक्ति देके हमारी बाई आंख के आंसू पूछे जा रहे हैं, हर हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट दे रही है। जब खुद भी गीता सुनाई तो देख लो, ऋषि कैसे कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे, मुस्कुराते हुए आपको भगवान ने ज्ञान दिया, और हमें भी यही कह, ले लो ज्ञान और मुस्कुराते रहो। दो दिन के बाद तो हमें चले जाना है, पर मुस्कुराने मुस्कुराते रहने का सामा दे दिया, हमें एक तरीका भी दिया। मेरे कहने पर थोड़ा मुस्कुराओगे, कल गम आएंगे, बीमारियां आएगी, कोई मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट होगा, फिर भी हम मुस्कुराए, वो भगवान के ज्ञान को लेकर। जब हमारा मन इतना मजबूत हो जाएगा तो हमारे कन्हैया कह रही है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। यही लेने के लिए आया करो मेरी देवियों, गीता जी यहां यही गीता का ज्ञान लेने के लिए आया करो, कि हम मुस्कुराए इस विचित्र और विलक्षण दुनिया में, चार दिन रहकर मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी के दिन व्यतीत करें। रो रो के मरना दी तो कोई लिया, भगवान ने हमें रोने के लिए बिल्कुल नहीं पैदा किया। मैं आपको सच्चाई से काम ले रहा हूं, धर्म कंडे पे तोड़ के शब्दों को निकाल रहा हूं। भगवान ने हमें रोने पिटने के लिए बिल्कुल नहीं पैदा किया, पर अफसोस की बात यह है कि हमने भगवान का ज्ञान नहीं लिया। ज्ञान लेने फिर कोई रोने पिटने वाली बात नहीं। पिताजी हमारे जिंदा हो और बड़े लैंडलॉर्ड हो तो हम कोई भूखे थोड़ा मरेंगे, पिताजी के पास आमदनी ज्यादा खर्चा कम है, हाँ तो हम सारे नवाब बन के रहेंगे, शहजादे बन के रहेंगे। इस तरह हमारे भगवान के पास ज्ञान का कोई अंत नहीं, लेने वाले बहुत थोड़े हैं, हम शहजादे बन के रहेंगे, हम बड़े मुस्कुराते हुए रहेंगे, हम बड़े खुश होकर रहेंगे। चिका ज्ञान लेने वाले कौन है, हजारों में होगा कोई, बाकी सब बीवी लेने वाले, कमाई लेने वाले, मुकदमे लेने वाले, भाई ये लेने वाले गए, भगवान का ज्ञान लेने वाले तो मेरी बेटियों बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। खुश रहते जाए भगवान ने कहा, बहुत थोड़े जीवे अर्जुन जो मेरे ज्ञान के लिए तरसेंगे, प्रसाद करेंगे। आप जैसे बहुत थोड़े जीव जिनको भगवान का ज्ञान चाहिए, नहीं तो उनको भगवान भगवान नहीं चाहिए, भगवान का जहान चाहिए, हाय हाय, भगवान के पदार्थ चाहिए, शाबाश, उनको नारायण नहीं चाहिए। ओ मेरे नारायण, उनको नारायण नहीं चाहिए, नारायण के चरणों में बैठी हुई लक्ष्मी चाहिए।
मत मारी गई दुनिया वालों की, अरे मत मारी गई, मत मारी गई, मत मारी गई, मत मारी गई। यू लक्ष्मी आएगी, कितना अच्छा होता नारायण को ले लेते तो लक्ष्मी भी मां बन के आ जाती ना। कहते नारायण जी आप लेते रहो यू करके, हमें तो अपनी लक्ष्मी दे दो, मारेंगे थप्पड़ आपके आगे। मेरे पति नहीं चाहिए थे, मैं कहूं फिर तुम्हें बताऊंगी मैं तुम्हारा तेरा शनिवार में बनाया। तो चाहिए क्या हमें, नारायण चाहिए। तो माँ अपने आप आ गई, वो तो चरणों में रहती है, इसलिए हमारी गीता संपूर्ण का होती है। 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जहाँ है कृष्ण मेरी बा कमरानिया शर्मानिया कुछ निजामिया, वही है वही है वही, वही अच्छी बुद्धि है, वही धन है, वही पदार्थ है और वही सब कुछ है। कहाँ, जहाँ है यत्र योगेश्वर कृष्ण, यह आपकी गीता संपूर्ण हो जाती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, बड़ा लाभ उठा रहा हूं भगवान जी के इन अनमोल वचनों का या सिद्धांत का। जहां है कृष्ण मेर बा, जिसने भगवान को अपने सीने जिगर बुद्धि में रख लिया, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। चूंकि वह लक्ष्मी तो अपने आप आएगी, मां बन के आएगी बेटे, वह लक्ष्मी मां बन के आती है। चूंकि उसने नारायण को ले लिया तो लक्ष्मी उनके साथ ही आएगी, शाबाश मेरी देवी हो। इसलिए हम गीता पढ़ते हैं और उसके अनुसार करते हैं, अपना लेते हैं, और 4 दिन आराम से कट जाते हैं और अंत समय जब बिगड़ बजेगा खुशी से चले जाएंगे, क्योंकि हमने भगवान की सेवा कहीं मन ही नहीं लगाया होता, महाराज जी की सेवा कहीं दिल नहीं दिया होता, इसलिए आया प्रभु तैयार, खुशी से जिंदगी काट ली, खुशी से चले गए। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, छोड़ गए अनजान को खुशी खुशी। आए तो रो के थे पर जाती बार तो हंस के जाएंगे, आए थे हम हुआ हुआ करते हुए, लेकिन जाएंगे भगवान के गुण गाते। ये है आपको गीता सिखाती, आंतरिक शांति गीता देती, बाहर की खुशी पिताजी ने दी, माँ बाप ने दी, अंदर की खुशी हमारे परम पिता आपको अपने ज्ञान द्वारा देते हैं। बाहर कई पदार्थ दे करके आपको पिताजी ने खुशी दी, अंदर केवल ज्ञान दे करके मेरे महाराज जी आपको खुशी देती है। खुशी देने वाले परम, अंदर की खुशी देने वाले परम पिता, बाहर की खुशी देने वाले जन्म के पिता। वो बाबा करी फिर कहे, बाहर की बारी खुशियां देने वाले जन्म पिता, अंदर की खुशी देने वाले परम। और समझावा तो कैसे समझा, और विस्तार करो तो मेरी देवी में और कितना विस्तार। जाओ सोच लेना कि गीता क्यों पढ़ी जाती है, गीता क्यों सुनी जाती है, अंदर परम पिता से क्या शांति लेने के लिए, खुशी लेने के लिए। बाहर की खुशियां तो माँ बाप ने दे दी, पर अंदर की खुशी मिल जाए बस जिंदगी के 4 दिन आराम से कट। ये कहती है गीता, समझाती है गीता, और ये आपको दिव्य प्रेरणा देती है गीता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।